तो ये कराची के पास जजीरा है, ये बहुत ज़रूरी है कि सिंध गवर्नमेंट इस पर जो इन्होंने NOC दे के वापस ले लिया था, इससे सबसे ज़्यादा सिंध को फ़ायदा है, सिंध सबसे ज़्यादा इससे गेन करेगा, इसमें सबसे ज़्यादा नौकरियाँ सिंध में जाएंगी। इसलिए मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ सिंध गवर्नमेंट को कि आपको इसकी इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि सारा फ़ायदा सिंध को है। फेडरल गवर्नमेंट को तो सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज जो आएगा जो हमें फ़ायदा करेगा, वो भी पाकिस्तान को फ़ायदा है। हेल्थ कार्ड और ये बंडल आइलैंड, ये बड़ा ज़रूरी है कि सिंध गवर्नमेंट इसके अंदर शिरकत करें। और जो हम जब चीज़ें करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि हम मिल के करें, क्योंकि सिंध के भी पाकिस्तानी लोग हैं, हमारे लोग हैं सारे। तो मुझे अफसोस होता है कि जब आटा 20 KG का बैग 250 रुपया ज़्यादा महंगा बिक रहा है बाकी पाकिस्तान से, पंजाब से। अगर ये कोऑर्डिनेशन हो तो ये कोई ज़रूरत नहीं है कि प्राइस का एक ही मुल्क में फ़र्क हो, और 250 रुपया बड़ा फ़र्क होता है गरीब लोगों के लिए। तो अगर हम ये कोऑर्डिनेशन करके चलें तो ये